नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब सेफ हैं और अच्छे से हैं। आज मैं आपसे कुछ डिप्रेशन के बारे में बात करती हूँ। डिप्रेशन मतलब मानसिक तनाव, मानसिक उलझन, स्ट्रेस, एन्जाइटी, कुछ भी कह लीजिए। और इन सब चीज़ों को, जैसे आपको स्ट्रेस है, एन्जाइटी है, चिंता है, परेशानी है, तो कब हम ये मान लें कि हमें डिप्रेसिव एपिसोड हुआ है? डिप्रेशन और डिप्रेसिव एपिसोड में क्या फ़र्क होता है, ये भी मैं आपसे बात करूंगी, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे ये वीडियो सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद हो गया था डिप्रेशन और बहुत मुश्किल से उससे मैंने ओवरकम किया। जब मैं ओवरकम करने की मेरी जो जर्नी थी उसमें मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं ठीक हो पाऊंगी, लेकिन जब ठीक हुई तो ऐसी ठीक हुई कि जैसी मैं डिप्रेशन के पहले भी नहीं थी। जितनी लाइवली, जितनी हैप्पी, जितनी कॉन्फिडेंट, उतनी हूँ आज मैं। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि मुझे क्या हुआ और मुझे जो हुआ उस दौरान डॉक्टरों ने मुझे क्या समझाया, रिसर्च से मुझे क्या पता चला। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम की वजह से कुछ मेडिसिंस चली थी और उन मेडिसिंस की वजह से, उन मेडिसिंस का साइड इफेक्ट डिप्रेशन होता था। दो मेडिसिंस थी, दोनों का साइड इफेक्ट डिप्रेशन था और दोनों की वजह से मुझे डिप्रेशन हो गया। तो मेरा जो नेचर है वो हमेशा ही बहुत हंसने बोलने वाला और बहुत ज़्यादा बातें करने वाला नेचर है। तो पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे हो क्या रहा है। तो ये चीज़ समझते 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 मुझे काफ़ी टाइम लग गया। दिसंबर से स्टार्ट हुआ और फरवरी में मुझे जाकर समझ आया कि हाँ, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे मेरे सिम्टम्स मैंने बताए, तब डॉक्टर ने ये फाइंड आउट किया कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। और उन्होंने पहले जो मेडिसिन चलाई वो मेडिसिन मेरे पे असर नहीं की। फिर 2 महीने वो मेडिसिन चलती रही, उसके बाद मेडिसिन चेंज की गई, फिर वो भी नहीं असर कर रही थी। 2 महीने वो चलती रही, इसी बीच लॉकडाउन लग गया, फर्स्ट लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन की वजह से फिर मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाई। फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा वही मेडिसिन कंटिन्यूड रखिए। और फिर वो मेडिसिन, फिर मैं किसी तरह लॉकडाउन जब थोड़ा सा हल्का हुआ फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने थर्ड मेडिसिन स्टार्ट की। तो जाकर कहीं थर्ड मेडिसिन ने मुझ पर असर किया। और जब उसने असर किया तो ऐसा लगा जैसे कि वो लगेज ट्रेन चल रही हो, पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन एकदम से उसने एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पकड़ी और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोई और मेडिसिन भी मुझे नहीं लेनी पड़ रही है। तो इस दौरान जो मुझे डॉक्टर ने बताया, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ कि मुझे जब डिप्रेशन हुआ या एन्जाइटी होता था, स्ट्रेस होता था, जो चीज़ें मैं करती थी बहुत आराम से वो कर नहीं पाती थी, किसी से मिलने का मन नहीं करता था, बात बात पर रोना आता था, मैं अभी वो सारे पॉइंट्स बताऊंगी जो होते हैं किसी को डिप्रेशन में। तब मुझे जब मुझे मैं अवॉइड करती थी, नहीं मैं मुझे मेरे घर मेरे ब्रदर मेरे हस्बैंड सजेस्ट करते थे तुम डॉक्टर को दिखा लो। तो मुझे ये मेरी वीकनेस लगती थी कि नहीं, अगर मुझे किसी डिप्रेशन के डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ये मेरी वीकनेस है। मुझे लगता था ये मेरे अंदर एक कमी आ गई है और मैं डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करती थी। इस अवॉइड करते करते जो मैंने 3 महीने निकाल दिए वो गलत था, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास जा रही थी तब भी मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं डिप्रेशन के लिए डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ, मैं कितनी वीक हूँ। और उसके बाद जब मैं डॉक्टर को दिखा कर भी आई तो भी जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता था उस पर डॉक्टर का नाम कोई ना देख ले, इसलिए मैंने उस प्रिस्क्रिप्शन को दूसरे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया था। जो मुझे बैक पेन था तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था कि चलो सब लोग यही सोचे कि ऑर्थोपेडिक के पास से आ रही है। बट जब मेरे डॉक्टर ने मुझसे एक बात कही उसके बाद से मेरा पूरी थिंकिंग इस चीज़ को लेकर बदल गई। डॉक्टर मेरे बहुत अच्छे थे तो उन्होंने ये कहा कि आपको, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे इस चीज़ की दवा लेनी पड़ रही है। देन ही वॉज सरप्राइज, ही सेड कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है, आपको फीवर होता है आप दवा लेती हैं, आपके पेट में दर्द होता है आप दवा लेती हैं, हाथ में दर्द होता है दवा लेती हैं, कान में दर्द होता है दवा लेती हैं, तो बॉडी का एक पार्ट है। इसी तरह यहाँ ब्रेन में भी बॉडी का एक पार्ट है। डिप्रेशन कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो जाने की वजह से हो जाता है और उससे आपसे मतलब बुखार हो गया तो आप लाइफ लॉन्ग के लिए वीक नहीं हो गई, दवा लेंगी ठीक हो जाएंगी। तो इसी तरह जैसे बॉडी के बाकी पार्ट में कुछ इलनेस हो जाती है, ब्रेन में भी कुछ इलनेस हो जाती है, दवा पड़ती है सही हो जाता है। उनकी इस बात से मुझे लगा कि हाँ सही कह रहे हैं ना, मतलब बीमार है। और ये डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप जितना ज़्यादा लोगों से खुलकर बता देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि अगर आपको लग रहा है तो आप उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपके क्लोज हैं, जो आपका साथ देते हैं, जो रियल फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, मदर फादर हस्बैंड बच्चे, उनसे डिस्कस करिए कि मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कोई ना कोई आपको ये सजेस्ट कर दे,
मैं तो मतलब मैं आज के डेट में मैं सबसे बताती हूँ, मुझे ऐसा हो गया था, मेडिसिन का रिएक्शन हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया था। तो डिप्रेशन होने के कई रीजंस हो सकते हैं, मेडिसिन का रिएक्शन जैसे मुझे हो गया, या फिर आपके फैमिली में हेरिडिटरी हो तो हो सकता है, या फिर कोई मेजर लाइफ इवेंट हो उससे भी हो सकता है। तो डिप्रेशन कब मानते हैं? एक लॉन्ग सैडनेस, लॉन्ग सैडनेस, ऐसी सैडनेस, ऐसी उदासी जो एक लंबे समय तक के लिए रहे। डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले पूछा कि कितने दिन हुए, मतलब अगर 14 डेज से ज़्यादा ये उदासी आपकी चलती है तभी उसको डिप्रेसिव एपिसोड कहा जाता है। डिप्रेशन भी नहीं, डिप्रेसिव एपिसोड। डिप्रेसिव एपिसोड मतलब कि एक बार किसी रीज़न से आपको ये डिप्रेशन सा हो गया है, अगर फिर एक बार दवा से ठीक हो गया और कुछ महीनों बाद फिर आया तब फिर उसको एज अ डिप्रेशन लेकर के डॉक्टर देखना शुरू करते हैं, बट एक बार अगर किसी रीजन से हो गया दैट इज कॉल्ड ए डिप्रेसिव एपिसोड। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा तो मैंने बताया डॉक्टर साहब 3 महीने से, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि अगर 15 दिन से कम पे कोई पेशेंट आता मुझे डिप्रेशन सा लग रहा है तो मैं उसको अटेंड ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मिनिमम 2 वीक्स ऑफ सैडनेस, एंजाइटी, जब कम से कम 2 हफ्ते तक अगर आप इस स्टेट ऑफ माइंड में हैं तब तो डॉक्टर आपको एंटरटेन करेंगे। तो 2-3 हफ्ते सबसे पहले तो आपको यही करना चाहिए कि आप खुद से माहौल बदलें, खुद से घूमें फिरें, जो काम अच्छा लगता है वो करने की कोशिश करें, तो हो सकता है थोड़ा बहुत हो तो आप खुद ही ओवरकम कर जाएंगे। बट अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते बीत गए और आप नहीं ठीक से खुद की, क्योंकि मैंने भी खुद की बहुत हेल्प करने की कोशिश की थी, मैं ये मानती ही नहीं थी, मैं सोचती थी नहीं, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है तो मैं उनको पढ़ाने बैठ जाती थी, जैसा कि आपको पता है सिंगिंग में मेरा बहुत शौक है, मैं सिंगिंग के लिए बैठ जाती थी, और मुझे किचन में काम करना पसंद है, मैं किचन में काम करने लगती थी, फ़ोन पे बात करने के लिए, बट उन सब चीज़ों में मेरा मन ही नहीं लगता था। जिन चीज़ों को आज मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ वो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी देती थी। तो सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहले आप खुद को एक्सेप्ट करिए कि हाँ हो गया है ऐसा कुछ, ठीक है किसी रीज़न से मेरे कुछ केमिकल इम्बैलेंस बॉडी में हो गए हैं, ब्रेन में हो गए हैं, जो दवा लेके 100% ठीक हो जाते हैं। बस होता क्या है कि कौन सी दवा आपको सूट कर जाए, 100% क्योरेबल है, उसके बाद आपको किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं। हाँ यार थोड़ी सी एनजाइटी की प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया, समझ जाइए पहली लड़ाई उसी दिन आपने जीत ली कि हाँ मुझे हो गया है और मुझे इसे ठीक करना है, उसके बाद से आपको जो सिम्टम्स होते हैं मैं बताऊं, क्योंकि अब देखा जा रहा है, जो डॉक्टर्स ने भी बताया, जो मेरे अंदर तो 90% ऑफ सिम्टम्स आ गए थे, कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो मेरे अंदर नहीं थे बट बाकियों के अंदर आ गए थे, तो वो सिम्टम्स जो आते हैं मिनिमम 10 सिम्टम्स मैं आपको बताऊं। सबसे पहले कि आपको एक उदासी रहने लगती है बिना बात के, हर चीज़ उदास उदासी लगती है, हर समय से मन उदास उदासा रहता है, बिना बात की उदासी ये रहे और हंसने का मन ही नहीं करता, हंसी की बात पे भी ना जैसे एक्सप्रेशनलेस सा फेस हो जाता है, इमोशनलेस, एक्सप्रेशनलेस, इमोशंस भी बहुत कम हो जाते हैं, जिससे जैसे बच्चों से मैं बहुत प्यार करती हूँ बट बच्चों का काम ही मुझे लगने लगता था हाय कैसे होगा। तो दूसरा एक तो उदासी हो गई, दूसरा बात बात पर रोना आता है, छोटी सी बात भी होती है तो रोना आ जाता है, फूट फूट कर रोने का मन करता है। तो तीसरा एकदम भूख मर गई थी, वो तो खैर अच्छा हो गया था, मैं थोड़ी पतली हो गई थी लेकिन भूख नहीं लगती थी बिल्कुल, इतना सा भी राइस खाना चाहती थी मैं तो खा नहीं पाती थी, बड़े मुश्किल से मम्मी की डांट सुनकर, सबकी डांट सुनकर इतना सा खाती थी कि खाऊंगी नहीं तो रहूंगी कैसे, और उसमें भी लॉकडाउन हो गया तो झाड़ू पोछा सब आ गया था। उसके बाद छोटा सा भी काम होगा ना बड़ा लगेगा। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊँ, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है तो मैं बहुत ही एक्साइटमेंट से पढ़ाती थी, लेकिन जब मेरे बेटे का एग्जाम चल रहा था और मेरी तबीयत ऐसी थी तो मुझे लगता था एक लेसन भी आ रहा होता था ना मुझे लगता था कैसे खत्म होगा। दूसरा मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, तो उस समय फिर मुझे 2-4 रोटी भी बनानी होती थी, मेरे हाथ शेक होने लगते थे, लगता था मैं कैसे बनाऊंगी, मतलब किस तरह से उस समय वो टाइम मैं निकाल रही थी। तो छोटा सा भी काम बहुत बड़ा लगता है। दूसरी अपनी हॉबीज़ नहीं कर पाते हैं आप, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मुझे गाना गाने का बहुत शौक है बट गाना भी नहीं गा पाती थी, मन ही नहीं करता था, हॉबीज़ से सब चीज़ से मन उखड़ गया था। उसके बाद पसीना बहुत आता था, जिसको भी डिप्रेशन, आई मीन जब मुझे डिप्रेशन हुआ था तो जैसे पल्स बहुत तेज़ चलती थी, पल्स तेज़ चलने की वजह से पसीना बहुत आता था मुझे। दूसरा दिल की धड़कन बहुत, पल्स जैसा कि मैंने आपको बताया धक 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 ऐसे हर समय जैसे लगता है ना कि दिल ऐसे जैसे तेज़ दौड़ कर आए धड़क रहा है, या फिर कोई गलत काम किया हो और पकड़े जाने का डर हो तो अंदर से जो एक डर सा लगता रहता है, धक धक सी होती रहती है, वो होता रहता है। फिर मुझे बिखरी चीज़ों से बहुत परेशानी, थोड़ा सी भी कुछ बिखरी सी चीज़ हो या गंदगी हो उससे बहुत परेशानी होती थी, मन करता था सब चीज़ें जैसे दो दो चार कपड़े भी एक के ऊपर एक अगर बेड पर रखे हुए, मुझे लगता था वो सब हट जाए, बेड बिल्कुल साफ रहे, बिखरी चीज़ों से परेशानी होती थी। फैन पे ज़रा सा भी डस्ट आ गया उससे मुझे परेशानी होती थी कि वो साफ हो जाए, तो सारे दिन सफाई, ऊपर से लॉकडाउन ऊपर से गंदगी से परेशानी, तो सारे दिन सफाई करती रहती थी।
धड़कन तेज चलती है उसके कारण बात बात पर। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि सोशली बिल्कुल मिक्सअप होने का मन नहीं करता, मन करता है सोशली आप कट ऑफ हो जाए। क्यों? उसका रीज़न भी होता है, क्योंकि हम जब ये सोचने लगते हैं ना हमारे अंदर कुछ हो गया, अरे हमें कुछ हो गया, कोई जान ना जाए, तो फिर मन ही नहीं करता है कि सोशली। दूसरा कि जब हमें ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा हंसने का मन नहीं करा, तो सामने को जो वाले को जब देखो कि वो हंस रहा है बोल रहा है तो लगता है कि हाय मुझे क्या हो गया, इस तरह का। तो फिर जब ये सारी चीज़ें हुई, बट जब दवा ने असर किया और दवा चली मेरी, जब सही दवा पड़ी है, उसके बाद मैं 1 महीने के अंदर सही हो गई, 1 महीने। तो ये आपका लक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको जो एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर 15 दिन से ज़्यादा ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो सबसे पहले उसको आप ब्रेवली एक्सेप्ट करिए कि ऐसा हो गया है। दूसरी बात कि आप ये जानिए ये 100% क्योरेबल है, 100%। जिस समय आपके डॉक्टर ने आपको सही दवा दी, उस समय बिल्कुल 100% आप क्योर हो जाएंगे। और तीसरी बात जो मैं आपको बताऊं कि एक बार जब ये चीज़ क्योर हो गई, तो आप जो डिप्रेशन के पहले थे, यू विल बी अ बेटर यू, आप उससे भी अच्छे हो जाएंगे। और कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है बिल्कुल, कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाए रखिए। बस ये जानिए कि एक दिन ये ठीक हो जाना है, एक दिन ये ठीक हो जाना है। और बस मैं भगवान की पूजा करती रहती थी और मैं यही सोचती थी कि बस, जैसे डॉक्टर बोलते थे 15 दिन में इस दवा का असर आएगा, बस मैं यही सोचती थी 15 दिन, किसी को कोई बुरे ख्याल नहीं आने देने हैं कि ऐसा करना वैसा करना। बस जब भी कुछ प्रॉब्लम हो, जब भी बेचैनी हो, बस ये सोचना जल्दी से 15 दिन बीते, जल्दी से 15 दिन बीते। और अपने डॉक्टर से बात करिए, डॉक्टर के पास जाने में, डॉक्टर से बात करने में मत हेजिटेट करिए। अगर 15 दिन से ऊपर हो गए हैं और आपका ये स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है, देन गो टू सीक मेडिकल एडवाइस, सीक डॉक्टर्स एडवाइस, वही आपको 100% ठीक करेंगे, वही आपकी मन स्थिति समझेंगे। और अगल बगल के लोगों से बजाय छुपाने के, अगल बगल के लोगों से बता दीजिए मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है एंड आई नीड टू सी अ डॉक्टर। और अगर ऐसा किसी को हो गया, ये कोई कमजोरी नहीं है। अगर किसी को बुखार हो गया है वो ठीक हो जाता है, किसी के आँख में चोट लग गई है वो ठीक हो जाती है, हाथ कट जाता है वो ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। उसी तरह ये भी एक बीमारी सी हो जाती है, हमें दिमाग, ब्रेन में हमारे केमिकल्स जो होते हैं उसमें कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से हमारी उदासी होती है। दवाइयों से वो सही हो जाता है लेवल और हमेशा सही रहते हैं। जीता जागता एग्जांपल मैं आपके सामने हूँ। तो ये है कहना, क्योंकि डिप्रेशन से मैंने देखा है कितने कितने बड़े बड़े हादसे हो जा रहे हैं। उस हादसों का रीज़न मुझे जो लगता है यही कि अव्वल तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते होंगे, समझ नहीं पाते होंगे, या डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते होंगे। बट जो दवाइयाँ आपको डॉक्टर ने दी हैं, उस दवाइयों को समय पे लीजिए, नहीं अगर असर करें तो फिर अपने डॉक्टर से बात करिए, अपने दोस्तों को बताइए, सबकी जो कहते हैं मॉरल सपोर्ट लीजिए, सबका एक मॉरली सपोर्ट करते हैं सब। एक बार कोई चाहने वाला यही बोल दे तुम ठीक हो जाओगे, वही सपोर्ट बहुत बड़ा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।